बांके से फिर बड़ी खबर आई है कि बीजेपी विधायक शशि भूषण मेहता पर बांके के निवर्तमान वीडियो फुलेश्वर मुर्मू ने मारपीट एवं दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। वहीं इस मामले में बांके थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कर दी गई है। इसके बाद दो दिन बाद मामले ने तुल पकड़ा है। भले ही वीडियो फुलेश्वर मुर्मू का पाकी से दुमका जिले के जरमुंडी में तबादला हो गया है, इसके बावजूद थाने में ही नहीं बल्कि ऑनलाइन भी मुकदमा दर्ज किया गया है, जो बताने के लिए काफी है कि एक जनप्रतिनिधि के द्वारा किस हद तक प्रशासनिक अधिकारी से मारपीट, गाली गलौज या कहीं अपमानित करने की घटना को अंजाम दिया गया होगा, जो वो इस हद तक व्यथित हुए कि आखिरकार प्राथमिकी दर्ज करा ही दी। 10-28 जुलाई को पाकी पूर्वी में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था, जहां के लोगों को बाहर आने जाने की मनाही प्रशासन ने की थी, मगर दयाल मेडिकल हॉल के संचालक मधुसूदन प्रसाद नियम कानून को ठेंगा दिखाकर घर से निकलकर पाकी मुख्यालय में दुकान खोलते रहे, जिसको लेकर बार बार मना किया जा रहा था, बावजूद वो मानने को तैयार नहीं थी। जिसके बाद वीडियो फुलेश्वर मुर्मू ने 30 जुलाई को दयाल मेडिकल हॉल सील कर दिया था। भाजपा कार्यकर्ता एवं सांसद विधायक शशि भूषण मेहता ने दुकान सील करने के बाद पर ही खफा थे, जिसको लेकर विधायक ने वीडियो को फोन लगाया, मगर फुलेश्वर मुर्मू ने फोन रिसीव नहीं किया। स्थानीय लोगों की माने तो विधायक को उनका फोन नहीं उठाना इस कदर नागवार गुजरा कि मुख्यालय जा रहे वीडियो को पाकी मेदनगर मुख्य पथ पर पीछा कर कोनवाई के पास पकड़ा एवं उन्हें अपमानित करने के अलावे मारपीट की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद हालांकि बहुत मान मनोबल का दौर चला, मगर व्यथित वीडियो फुलेश्वर मुर्मू ने बीजेपी विधायक के इस करतूत को जगजाहिर कर दिया। अब पूरे मामले में पुलिस जांच में जुट गई है, मगर भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक जैसे जिम्मेदार जनप्रतिनिधि पर इस तरह का आरोप लगना सिद्धांत एवं मर्यादा का हनन है, जिस पर सवाल सोशल मीडिया में भी लगातार अब देखने को मिलेगा। सवाल को भी क्यों नहीं, बीजेपी में तो चुनाव से पहले ही तो शामिल हुए हैं। ब्यूरो कैपिटल न्यूज़।